पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एक एमपी की एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, उसी तरह से मलवांचल यूनिवर्सिटी भी चलती है इंदौर में। मलवांचल यूनिवर्सिटी के पास कई सारे अप्रूवल्स हैं, कई सारे अप्रूवल्स नहीं भी हैं, उन सबके बारे में डिस्कस करूंगा आज अपनी इस वीडियो में। यूजीसी पर यूनिवर्सिटी कहां रैंक करती है, यूनिवर्सिटी कब बनी है? दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है और एडमिशन लेने के बाद जो भी एजुकेशन लेता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, वो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखता है, खास करके कि मुझे किस तरह की एजुकेशन मिलेगी एडमिशन लेने के बाद। दोस्तों, एजुकेशन लेना ही नहीं, क्वालिटी एजुकेशन लेना भी आपका अधिकार है। बहुत बार होता क्या है कि आपके पास जब ऑप्शंस नहीं होते हैं तो जो ऑप्शन मिलता है वहीं जाकर आप एडमिशन ले लेते हैं, फिर चाहे वो कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। हम जो वीडियोस आपके लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं हर तरह से पूरी जानकारी आपको देने की कि किस यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या अप्रूवल्स नहीं है, कौन से कोर्सेज चलाती है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनके पास हॉस्टल का नामो निशान नहीं और बहुत सारे ऐसे अप्रूवल्स जो यूनिवर्सिटी के पास होने चाहिए थे यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। मलवांचल यूनिवर्सिटी एक एमपी की एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, उसी तरह से मलवांचल यूनिवर्सिटी भी चलती है इंदौर में। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। मलवांचल यूनिवर्सिटी के पास कई सारे अप्रूवल्स हैं, कई सारे अप्रूवल्स नहीं भी हैं, उन सबके बारे में डिस्कस करूंगा आज अपनी इस वीडियो में। यूजीसी पर यूनिवर्सिटी कहां रैंक करती है, यूनिवर्सिटी कब बनी है, यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब कौन है, चेयरमैन कौन है, वाइस चांसलर कौन है और कौन है रजिस्ट्रार साहब, यूजीसी स्टेटस क्या बोलता है इस यूनिवर्सिटी का, इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही उन्हीं सभी क्वेश्चंस के आज जवाब देंगे जितने भी आपने पूछे हैं हमारी पिछली वीडियो में जाकर, जो हमने मध्य प्रदेश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई हैं। मलवांचल यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। मलवांचल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट जब आप विजिट करते हैं, जो वेबसाइट बनी हुई है www.malwanchaluniversity.com, जैसे ही आप खोलते हैं यहां पर, तो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट खुलती है यहां पर चीजें ज्यादा डिटेल में मेंशन है नहीं। आप अप्रूवल्स देखना चाहोगे तो अप्रूवल्स तक पूरा नहीं पहुंच पाओगे, कोर्सेज पर नहीं पहुंच पाओगे। नैक लिखा जरूर है बट नैक एक्रेडिटेशन क्या है क्या नहीं है वो नैक पर क्लिक करके भी आपको डिटेल्स आपको मिलती नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि मलवांचल यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं है, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, कोर्सेज बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलाती है, बट जिस तरह से यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश है, यूनिवर्सिटी को वक्त हो गया है चलते हुए, यूनिवर्सिटी काफी टाइम से एडमिशन ले रही है, 2016 में यूनिवर्सिटी आ गई थी, आज लगभग यूनिवर्सिटी को 6-7 साल हो गए हैं, बट उतने अप्रूवल्स नहीं है जितने अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास होने चाहिए, या फिर हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ने अपने अप्रूवल्स को एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन एमबीए होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेगी और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, कोई भी जो यूनिवर्सिटी होती है, कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्टेट में चलती है, उस यूनिवर्सिटी को चलने के लिए यूजीसी की मान्यता चाहिए होती है। जब तक यूजीसी की साइट पर आप नाम ना देख लें उस यूनिवर्सिटी का, जो यूजीसी की साइट पर जो लिस्ट बनी हुई है यूनिवर्सिटीज की, तब तक आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है यूजीसी और यूजीसी को रेगुलेट करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो देखती है यूजीसी को, और यूजीसी पर कहां ये यूनिवर्सिटी रैंक करती है उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप टाइप करेंगे क्या, www.ugc.ac.in।
जैसे ही आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाएंगे, जाने के बाद में जो इंटरफेस खुलेगा यूजीसी का, वहां जाने के बाद में जो यूनिवर्सिटीज लिखी हैं, यूनिवर्सिटीज में जाकर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैंने इसलिए स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोला, डीम्ड होती डीम्ड की हम बात करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी होती स्टेट की बात करते हैं। अभी जैसे आप क्लिक करेंगे तो मध्य प्रदेश का एक टैब बना हुआ आएगा। जैसे मध्य प्रदेश पर आप क्लिक करेंगे, मध्य प्रदेश पर क्लिक करने के बाद में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं मैं अभी, 41 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पर हमने वीडियोस बनाई है। हमारे इसी चैनल पर आपको सब वीडियोस मिल जाएगी। मलवांचल यूनिवर्सिटी को 17वें नंबर पे देखिए, 17 नंबर पे आप जाओगे तो यहाँ पर लिखा है मलवांचल यूनिवर्सिटी। मलवांचल जो यूनिवर्सिटी है 2016 में यूनिवर्सिटी बनी है, 4 जनवरी 2016 में। 17 नंबर दोस्तों रैंकिंग नहीं है, ये जो अल्फाबेटिकली नंबर आया उसके अनुसार ही यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है। 2016 में यूनिवर्सिटी आई है। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आप देखा कीजिए हमेशा यूजीसी पर क्या मेंशन है, यहाँ मेंशन वही है www.malwanchaluniversity.com। तो यहाँ पर आप मोर डिटेल पे क्लिक कीजिए। जब आप मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जानकारी किसकी मिलती है, वीसी साहब की, रजिस्ट्रार साहब की, और यूनिवर्सिटी की जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ से मिल जाती है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है, डॉक्टर एन के त्रिपाठी, उनका फोन नंबर लिखा है, उनकी मेल आईडी लिखी है, दोनों चीजें आप यहां से देख सकते हैं। साथ में ही जो रजिस्ट्रार साहब हैं यूनिवर्सिटी, उनका नाम है डॉक्टर एम क्रिस्टोफर, साथ में ही उनका फोन नंबर लिखा है और मेल आईडी भी मेंशन है। मतलब कि यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज है तो यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, मलवांचल यूनिवर्सिटी जो कि इंदौर में स्थित है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब साथ ही हम दोस्तों बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के जो मेन फेस हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब कौन है, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन कौन है, प्रो चांसलर कौन है वाइस चांसलर साहब, साथ में ही प्रो वीसी कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं चेयरमैन साहब की, जो यूनिवर्सिटी के मालिक आप बोल सकते हैं, श्री सुरेश सिंह भदौरिया चेयरमैन है यूनिवर्सिटी के, मयंक वेलफेयर सोसाइटी इंदौर, जो सोसाइटी बनती है यूनिवर्सिटी बनाने से पहले, ये वही है, मतलब उसके चेयरमैन है यूनिवर्सिटी के, ये श्री सुरेश सिंह भदौरिया जी। साथ में जो चांसलर है यूनिवर्सिटी की वो है श्रीमती अरुणा भदौरिया, ये चांसलर है यूनिवर्सिटी के मलवांचल यूनिवर्सिटी इंदौर की। साथ में ही प्रो चांसलर, जो चांसलर होते हैं उनके नीचे जो प्रो चांसलर बनते हैं, या जैसे हम प्रो वीसी बना देते हैं मतलब वीसी के नीचे, वही ये चांसलर साहब के नीचे जो काम करते हैं वो होते हैं प्रो चांसलर साहब। डॉक्टर संजीव नारंग प्रो चांसलर है यूनिवर्सिटी की मलवांचल यूनिवर्सिटी जो इंदौर में चलती है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के एन के त्रिपाठी हैं, जो वाइस चांसलर हैं, जो यूजीसी पर भी अपडेट है मलवांचल यूनिवर्सिटी के। और साथ में ही जो प्रो वीसी बना रखे हैं यूनिवर्सिटी के, प्रो वाइस चांसलर जो है यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर राम गुलाम रजदान, ये प्रो चांसलर है मलवांचल यूनिवर्सिटी के। ये कुछ वो मेन फेस है 5 जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जैसे चांसलर होते हैं, मतलब चेयरमैन होते हैं, एक चांसलर बन जाते हैं, साथ में प्रो चांसलर होते हैं, वीसी होते हैं, प्रो वीसी है, ये सब वो डिटेल्स है जो मेन फेस है यूनिवर्सिटी। दोस्तों जब भी आप एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, मेरी अपील हमेशा आपसे रहती है यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करें। विजिट करने के बाद में जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस क्लासरूम में जाइए, साथ में फैकल्टी मेंबर से मिलिए जो आपको पढ़ाने वाले हैं, ये काम आपको कर लेने चाहिए। साथ ही प्लेसमेंट देखिए यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ अगर आप रेगुलर रहकर पढ़ना चाहते हैं तो हॉस्टल जरूर देखें, हॉस्टल्स देखें, हॉस्टल क्वालिटी देखें, साथ में देखें हॉस्टल है भी कि नहीं यूनिवर्सिटी में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी चल रही है जिनके पास हॉस्टल ही नहीं है, हॉस्टल आप देखें जहाँ पे आप रहने वाले हैं। और साथ में ही कोशिश करें उन सभी स्टूडेंट से मिलने की जो स्टूडेंट्स वहाँ अभी पढ़ रहे हैं उस कोर्स में, तो यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। या फिर आप और डिटेल में जानकारी चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको डिटेल जरूर भेज देंगे, साथ में आसपास की और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में भी आपको हम जरूर बता देंगे। ये थी यूजीसी पर अपडेट। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज कौन कौन से चलते हैं। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स कैसे हैं, कैसे फैकल्टी मेंबर्स, यूनिवर्सिटी ने किस तरह से लैब्स बनाई हैं, ऐसी बहुत सारे जो डाउट्स जो आपके पास होते हैं उन सब डाउट्स को हम तभी क्लियर कर पाएंगे जब यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करेंगे। यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करने के लिए बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे, आपके सभी तरह के डाउट्स हम क्लियर जरूर करेंगे जब भी हम यूनिवर्सिटी को विजिट करते हैं। दोस्तों यूनिवर्सिटी में दोस्तों कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कई सारे कोर्सेज हैं, बट उतने कोर्सेज नहीं जितने कोर्सेज के मतलब यूनिवर्सिटी ये ले सकती थी। यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज करवाती है, जो अपडेट यूनिवर्सिटी ने किए हुए हैं, जैसे आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे सबसे पहले लिखा है MBBS, MD एंड MS, ये तीनों कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, MD MS भी करवाती है, MBBS में एडमिशन यूनिवर्सिटी लेती है,
BDS कीजिए या फिर MDS कीजिए। आप डेंटल में भी एडमिशन ले सकते हैं, MBBS में भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी बोलती है। जो डॉक्टर्स बनते हैं वो इन्हीं कोर्सों करने के बाद बनते हैं। साथ में ही BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, BSc नर्सिंग की दोस्तों बहुत ज्यादा डिमांड है। MSc नर्सिंग, ANM GNM भी यूनिवर्सिटी करवाती है। इन सभी कोर्सेज की बहुत ज्यादा डिमांड है, बट BSc नर्सिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो अपनी फीस के ऊपर भी फीस लेती हैं, मतलब प्रीमियम लेती हैं BSc नर्सिंग में एडमिशन देने के लिए। BSc नर्सिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी सपोर्ट चाहते हैं, हमसे आप कॉन्टेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है BPT। BPT पर बहुत सारी वीडियोज हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी होती है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, फीस क्या है। BMLT यूनिवर्सिटी करवाती है, ये DMLT यूनिवर्सिटी करवाती है, DDT कोर्स करवाती है, ऑप्टोमेट्रिक जैसे अच्छे कोर्स भी यूनिवर्सिटी करवाती है, OT टेक्नीशियन करवाती है यूनिवर्सिटी, ये साथ में MRI टेक्नीशियन भी करवाती है, साथ में एक्सरे टेक्नीशियन यूनिवर्सिटी करवाती है। और साथ में ही दोस्तों कुछ दूसरे कोर्सेज जैसे कि B Pharmacy, D Pharmacy, इसके लिए PCI का अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का। अगर फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास नहीं है तो इस कोर्स को नहीं करा सकते। साथ में ही PhD। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि RTI एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर RTI लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं अपनी वीडियोस के माध्यम से, कोई भी यूनिवर्सिटी जब बनती है, जब उन्हें प्रपोजल देती है, तो वहां से उसमें मेंशन होती हैं चीजें कि यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UG मतलब कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और PhD करवा सकती है। नॉन काउंसिल जितने भी कोर्सेज होते हैं उनका यूनिवर्सिटी को बाय डिफॉल्ट अप्रूवल मिल जाता है, यूनिवर्सिटी के पास अपने आप में अप्रूवल आ जाता है इन सभी कोर्सेज को करवाने के लिए। बट जो कोर्सेज काउंसिल से एफिलिएट करते हैं, जैसे BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, LLB करने के लिए, NCTE, आप अगर करना चाहते हो कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कोर्सेज तो NCTE का अप्रूवल चाहिए, जैसे BEd आप करना चाहते हैं तो NCTE का अप्रूवल चाहिए यूनिवर्सिटी को, AICTE, BTEC, MTEC डिप्लोमा करने के लिए। हालांकि इन सब कोर्सेज की डिटेल्स हालांकि यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन की नहीं है, यूनिवर्सिटी ने कुछ अलग तरह से डिटेल्स डाली हैं, बट ऐसा नहीं कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। काउंसिल कोर्सेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते जब तक यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल नहीं है, बट बाकी के जो कोर्सेज नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं दोस्तों, जैसे कि BA, BCOM, BSc, MA, MCOM, MSc, BBA, MBA, MCA, साथ में BCA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, ऐसे कई सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है जिसका UGC बाय डिफॉल्ट अप्रूवल दे देता है। बट यूनिवर्सिटी के पास उतने कुछ खास अप्रूवल्स नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जो वक्त हो गया है उस वक्त के अनुसार तो यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे अप्रूवल्स होने चाहिए थे। यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं, या यूनिवर्सिटी को आप, इनकी वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे, यूनिवर्सिटी को आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से, मुझे उसका इंतजार रहेगा, आप बताएं। और साथ में ही इस यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन किस यूनिवर्सिटी के साथ आप करवाना चाहते हैं जो मध्य प्रदेश में चलती है, हम उस पर एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों आप हमें बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना इस यूनिवर्सिटी को आप मार्क्स देना 10 में से कितने मार्क्स देंगे, किस यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करवाना चाहते हैं, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी की क्या जानकारी आप चाहते हैं, या किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज पर वीडियो चाहते हैं, आप जरूर बताएं, हमें आपके उस मैसेज का इंतजार रहेगा और नेक्स्ट वीडियो हम आपकी सजेशन पर जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो हमने वीडियो बनाया आपको अच्छा लगा होगा। मलवांचल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने जाना होगा, कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछें, हम रिप्लाई करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और मोटिवेटेड होकर अच्छी अच्छी वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।